हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे नरकना अनि ब्लॉग नरकना लम सोगो मासोने नकने अनेक दिन परे भाई अनि प्रिबसानी तिनी एग्जाम बो पाई खा बिनी तिनी लास्ट एग्जाम तोंग मनी इंखलाई तबोक अंगबो आलू परोठा चाने मुसोगोई विदाउट ओनियन और मुसो सारा जस्ट सिंपल खाई बनाई खा तानी हिंके अनि प्रिबसा मसो बाय प्याज रुजा हिंके चाहिए अब नि बाय खाली आलू बाय आटा न थाव बाय किसा सेनाय आलू परोठा बनाय दंगो नरक जदि अर मसरक प्याज रो नि खै रुमान बुति रं के आरो से थगो आनि बुरि बसा मसो प्याज चाहिए नि बागै ताबो आं सिम्पल खै बनाय दंगो तो अब न तिनि आनि चिकन सा ब्लक नरक बाय आं शेयर खलायनानि हने फायो नरक नंगै दंखाना आं ताबक तिगुबो जस्ट आलू परोठा बनाने बागे आसोजा आलू परोठा बनाने के लिए बैठी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरा चेहरा पूरा क्या बोलो कुछ दिन से अजीब अजीब जैसा दिखाई देगा आप लोगों को। मेरा बहन, आप लोगों को तो पता है हमेशा वही मैं आप लोगों के सामने जिक्र करती हूँ, मेरा बहन और क्या बोल उसका डेट हो गई है। तो हमेशा जहाँ भी जाता हूँ सर उसका ही याद आता है, चाहे मैं दूर में हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ जाऊँ सर बहन का ही याद आता है। इस 2024 में कभी नहीं सोचा था कि हम लोग बहन को खो देंगे, लेकिन अभी क्या बोलूँ उसको, उसके बिना अभी हम लोग बस अधूरा है। और टाइम मिलने से मैं जाऊँगी, फिलहाल एग्ज़ाम था मेरा बेटी के इसलिए मैं घर पे आई हूँ। तो अभी सोचा खाना बना भी कुछ भूख भी नहीं लगता, कुछ खाने का भी मन नहीं करता, सिर पता नहीं कुछ हो गई है। मतलब हम लोग का जो सदमा है शॉकिंग शॉकिंग न्यूज़ था, शॉकिंग मतलब डेथ था मेरा बहन का। तो वही हम लोग बस कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो घर में बैठे बैठे मैं जब क्या बोलूँ उसको, हाँ आलू पराठा बना रही हूँ, तो सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ बोल के इसलिए मैंने आज ब्लॉग किया है। गाइस ये छोटा सा वाला मेरा ब्लॉग में आज ज़रूर आप लोग रहेगा। फिलहाल मेरा हस्बैंड तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई है, मेरा बेटी का रोटी भी दिखाता हूँ। ये भी मुझे मांगा है, मामा मुझे भी रोटी दे दो, देखो क्या क्या छोटा छोटा बना रहे हैं, देखो हाँ और भी दिखाओ, देखो क्या क्या बनाते रहते हैं मेरा बेटी, मुझे देख के वो बना रहे हैं। फिलहाल मेरा चेहरा भी बिगड़ गई है, जस्ट अभी नहा के आई और ये हाँ हाँ रोटी वगैरह मैं बना रहा हूँ। गाइस तो सिर्फ आप लोग ही हो जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकता हूँ मेरा हर बातें, और किसके साथ शेयर करूँ। आप लोग ने यहाँ तक मुझे इतना सारा प्यार दिया वही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोग के प्यार के वजह से ज़रूर मैं आगे जाऊँगी। तो आप लोग जितना भी मेरा ब्लॉग देखा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइस। तो मैंने सोचा था मैं ब्लॉग और नहीं कर पाऊँगी, इतना मैं टूट गई हूँ और मैं ब्लॉग करना ही छोड़ दूँगी ऐसा सोचा था बहन मरने के बाद, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये तो मेरा एक मेमोरी जैसा रहेगा। तो इसलिए मैंने, मेरा हस्बैंड भी मुझे बोला कि जो भी हो लाइफ में हर इंसान के मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ होते रहते, कोई मरता है दुनिया में तो कोई मरता है फिर से वो होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं ठीक है, घर के फैमिली तो कोई मरता है गाइस, तो उसका सदमा हम किसी ने भी आज तक ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन नहीं देखा। तो खुद का परिवार का एक बहन गुजर जाना, वो भी इस उम्र में छोटा सा मतलब 18-19 साल में इस कम उम्र में मतलब उसका डेथ होना बहुत हम लोग के लिए बहुत बेड सिचुएशन था गाइस। अभी उसका बेटा भी है तो वो सब लेके हम लोग सब बिजी है। तो वही मैंने सोचा था मैं और ब्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन मेरा हस्बैंड ने इनकरेज किया मुझे और मैंने भी सोचा ये सब मेरा मेमोरी में रहेगा, तो कोई बात नहीं मैं कंटिन्यू करता हूँ बोल के इसलिए मैं ब्लॉग किया है। तो आप लोग से थोड़े ना मैं जल्दी से ब्रेकअप लूँगी गाइस, आप लोग मेरा फ्रेंड्स हो तो जब तक है जान तब तक मैं आप मैं क्या बोलूँ तब तक मैं ब्लॉग करूँगी, पता नहीं कितना दिन कर पाऊँगी। मैं भी आज हूँ कल
कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। जितना दिन जिंदा हूँ मैं ब्लॉक करना और नहीं छोड़ूंगी, करूँगी। जितना भी तूफान आए, जितना भी वो आए, मुश्किलें आई, मैं ज़रूर ब्लॉक करूँगी। वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करना था गाइस। तो चलो मैं भी मेरा आलू पराठा बना लेती हूँ, बनाते बनाते आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग में रहेगा गाइस। तो मेरा रोटी बनाना ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बस मेरा कैमरामैन होता तो उसको बोल देता, थोड़ा मैं राउंड करने का टाइम, आलू यहाँ पर डालने का टाइम थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन मेरा कैमरामैन नहीं है। टीवी रूम में बैठ बैठ के टीवी देखते देखते मैं रोटी वगैरह में बना रहा हूँ। हाँ, और मेरा बेटी क्या बोलना चाहते हो देखो, वो भी रोटी बना रहे। बाबा छोटा सा वाला देखो, उसके लिए हमने ख़रीदा था। अभी बहुत ज़िद्दी वाली हो गई है मेरा बेटी। तो थोड़ा बाकी है तो तब तक मैं बना लेता हूँ। बस अभी मैं बिठाने वाली हूँ। तो तवा बक्साई रखा, बक्साई रोमाल पड़े बाकी से तो है। ये थोड़ा सा हीट होने के बाद तेल देना है, जस्ट थोड़ा सा क्या बोलूँ, ऑयली में फ्राई करना है। किसा थरो से देना नहीं है आज का मेरा ब्लॉग और आलू परोठा बनाने के बाद कैसा होता है वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं, अच्छा से नहीं आता। मेरे से भी बेटर बेटर जो जो जानता है आलू परोठा कैसा बनाता है, मैं तो जस्ट सिंपल ही जितना आता है वो ही बना के हम लोग खाते हैं। अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है गाइस, सर बहन को याद करती हूँ, याद भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी वो हम लोग के साथ है। हमेशा बहन का जिक्र कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग के साथ। प्लीज़ आप लोग बोरिंग मत हो जाना, किचन रूम में भी बनाते बनाते सर बहन का ही जिक्र कर रहा हूँ। तो चलो ये थोड़ा सा हीट होने दो, हीट होने के बाद थोड़ा तेल डालेंगे। ये मैंने फॉर्चून वाला वेल यूज़ करना चाहिए, न्यूट्रेला बादाम तेल के साथ ही फ्राई करना टेस्टी होता है। थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल सकता है, लेकिन मैंने तो ज़्यादा ही डाल दिया। आप लोग पहले रोटी को भी दे सकता है, उसके बाद तेल थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर में दे सकता है। तो पहले मैंने तेल डाल दिया है, तो उसके बाद मैं अभी इस रोटी को डाल दूँगी धीरे से। एक हाथ से बहुत मुश्किल हो रहेगा, इस ज़्यादा ही तेल हो गया। दूसरा वाला थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ये पहला वाला थोड़ा ऐसा हो गया है। ये मेरा बेटी का पेनकेक देखो क्या क्या बना के लेके आता है। तो बनाने के बाद गैस ऐसा वाला आ गया है, पता नहीं बाद में कैसा टेस्टी होगा, अभी तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला चाय के साथ पियेंगे हम लोग। तो फिलहाल मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद खाएंगे गैस। तो कैसा लगा ये पकाने के बाद चेहरा देखो, यही है। अब लास्ट पीस अब पाएंगे ऑलरेडी हम बने पाए क्या नहीं बस नरम मंगजा एकदम कितना सॉफ्ट हुआ है। तो ये लास्ट पीस बन रही है, वो बनने के बाद तो हम लोग खा लेंगे गाइस। तो आप लोगों को आज का मेरा आलू का पराठा कैसा लगा, सिंपल वाला प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वही है आज का मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थोड़ा ठंड होने के बाद मैं थोड़ा आप लोगों को कट के दिखाऊंगी, फिलहाल ये बहुत गर्म है। तो ये लास्ट पीस बन रही है, ये बनने के बाद हम लोग खाना शुरू करेंगे और आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ खा लीजिएगा। तो गाइस इस कुछ दिन रात में अच्छे से नींद नहीं होता हम लोगों को, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। लोग ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं, कुछ दिन से सिर्फ नींद ही आ रहे, देर देर से नींद होता है हम लोग को।
और मेरा आंखें तो देखो अभी तो रोना भी नहीं आता, इतना मतलब रोते रोते मेरा आंखें का जो पानी मतलब पानी है आंसू वो वाला सूख गई है, इतना सूख गई है। जो मेरा आज ब्लॉग देखा वो लोग मेरा बातें सुन के ज़रूर हंसेगा, हंस लेना अगर टाइम मिला तो। लेकिन मेरा जो अंदर का जो दुख है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसको, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करो क्या ना करो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतना ही आप लोग से क्या बोलूँ, बोल सकता हूँ कि आप लोग, मेरा बहन अभी जहाँ पर गया है वहाँ वो अच्छे से रहे, और आप लोग उसके लिए, उसका फैमिली के लिए मतलब मेरा बहन का उसका बेटा के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो मालू के साथ अच्छे से रहे, और हम लोग भी अगर टाइम मिला तो हम लोग भी जाके देखेंगे, क्योंकि अभी तो मैं तो परिवार का सबसे बड़ा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो और क्या बोलूँ गाइस, और कुछ भी नहीं बोलने का, मुझसे भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या शेयर करूँ, इसलिए कुछ दिन ब्लॉग भी नहीं कर पाया, कहीं पर भी नहीं जा पाई, सर वही चलता रहा है, सर घर पे रहना। कुछ दिन के लिए मैंने थोड़ा सा छुट्टी लिया है बहन मरने के वजह से, और काम भी मैं ड्यूटी भी जाकर अच्छा से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा माइंड को थोड़ा सा मतलब मैं स्ट्रेस हो गई हूँ और टेंशन में, और इतना शॉकिंग वाला सिचुएशन में काम करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लिया हूँ। जब मेरा छुट्टी ख़त्म फिर से काम पे जाना है, और इस कोला छोरा में पता नहीं और मैं कितना दिन रहूँगी या नहीं रहूँगी। एक जगह तो हमेशा कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, एक दिन कहीं पर भी जाके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं इसलिए रहा था कि परिवार पास में है, उन लोगों को देखभाल करने के लिए इसलिए पास में रहा। तो और क्या बोलो, बस इतना ही है गाइस। तो चलो मेरा परोठा हो गई है कि नहीं देखता हूँ। तो क्या है तुम्हारा हाथ देखे, मेरा बेटी खाने वाला है, गरम बोल के नहीं खाना चाहता, जो नीचे का ठंड है नरम है वो वाला दे देंगे। खाओ, ये थोड़ा छिरके में दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को, क्योंकि मेरा हाथ बहुत बिजी है, एक हाथ से ही मैं ब्लॉक कर रहा हूँ देखो अंदर का। खाओ, तो ये देखो आलू, वाओ, जाओ जाके खाओ। तो हम लोग खाते हैं, बस इतना ही है गाइस आज का मेरा ब्लॉग। तो अभी मैं विदाई लेने वाली हूँ, फिर मिलेंगे मेरा क्या बोलो दूसरा वाला ब्लॉग के साथ। तो यही है आज का छोटा सा ब्लॉग, कहीं पर भी अगर मैंने बातें गलती बोल दिया तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। सोचा ये ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँ बोल के इसलिए शेयर किया। तो अभी गाइस, तो अभी के लिए गाइस टाटा एंड बाय।